उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो गया, जहां बीजेपी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। देश दुनिया में अयोध्या राम मंदिर के नाम से वोट मांगने वाली बीजेपी को अयोध्या में ही हार का सामना करना पड़ा। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अवधेश ने जीत के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या की सीट जीतकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने कहा लल्लू सिंह अपनी हार के कारण स्वयं है। आरक्षण पर उनका दिया गया बयान उनके गले पड़ गया। अयोध्या का दलित नाम बंद हो गया और उम्मीदवार के रूप में अवधेश मिल गए। जनरल सीट पर पासी उम्मीदवार उतार कर अखिलेश यादव ने बड़ा दाव चला था। अवधेश प्रसाद का कहना था कि बीजेपी इस समीकरण को भाप ही नहीं पाई। अयोध्या को लेकर पार्टी अति आत्मविश्वास में थी, लेकिन दलित पिछड़ा समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ गया और इसका नतीजा बीजेपी की अयोध्या में हार हुई। वैसे 2012 में अयोध्या विधानसभा समाजवादी पार्टी के पवन पांडे ने जीती थी, लेकिन बाद में बीजेपी वो सीट वापस लेने में कामयाब हुई थी। अब अयोध्या की हार बीजेपी के लिए यूपी ही नहीं देश भर में बड़ा झटका है। बता दें कि अवधेश पासी 9 बार के विधायक हैं। मुलायम सिंह के खास और वफादार लोगों में गिने जाते रहे हैं। जब भी सपा सरकार बनी वह मंत्री भी बने। उन्होंने इस चुनाव का नारा चलाया था, न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। ये नारा उनके लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध भी हुआ था और आखिरकार जब चुनाव के परिणाम आए तो ये नारा सत्य भी साबित हो गया।